नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए, जो आपका कल यानी कि 21 अगस्त को आपका जो पेपर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जीके जीएस इसमें यानी कि जीके स्टैटिक जीके और जीएस दोनों को इंक्लूड करके ये पेपर का डोज यानी कि पेपर का डोज बनाया गया है। क्योंकि पेपर देने से पहले ज़रूर देखें, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ को यहाँ पे पता है कि आपके यहाँ से 12 से 15 नंबर पक्के यहाँ से कंफर्म है कि यहाँ से फंसने वाला है। आपको यहाँ पे मैं ये भी दिखा दूंगा कि किस किस टॉपिक पे मैं आपको आज बात करेंगे, किस किस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे हम कि जहाँ से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से एनालाइज करा देंगे इसी वीडियो में। क्योंकि बहुत ही छोटे से वीडियो में आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाए जीके के, क्योंकि जीके में बहुत ही काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कल भी कमेंट आए हैं, कंटिन्यू कमेंट आ रहे हैं। तो हमने कहा था कि उनके लिए कुछ मैं ऐसा करूंगा जो बेस्ट से बेस्ट हो सके और उनको कुछ ना कुछ उनको मिल सके, यानी कि कहीं ना कहीं से एक वीडियो से 10 से 12 नंबर अगर उनके लिए मिल जाए तो बहुत कम नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो जी के जी एस का बूस्टर वीडियो है आपके लिए, जिनका वीडियो जी के जी एस अभी भी वीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको कंप्लीट क्या कर लेना है, यूपी जी के बताया तो आप लोगों ने यूपी जी के तो कंप्लीट ही कर लिया होगा, और यहाँ पर जी के जी एस की बात कर ली। तो अगर आपने यूपी जी के कंप्लीट लिया तो मान चलिए 12 से 15 नंबर का यूपीजी के रहने वाला है और 10 नंबर का करंट अफेयर रहने वाला है। ठीक है, 25 नंबर का पोर्शन ये हो गया, इसमें से आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा हम आशा है। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे जीके जिसका यानी 12 से 15 नंबर मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इसको 15 नंबर का कंप्लीट करा दिया पोर्शन, तो यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। अगर इसको आप नहीं चाहे तो 12 नंबर के लिए 24 हो गया, 24 और 10 कितना 34, यानी कि 34 नंबर का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, फिर उस पर आप देखिएगा कल पेपर जब देखे आएंगे तो आपने आप बताएंगे कि सर ने जो क्वेश्चन बताया था वो जरूर फंसे। यहाँ पे मैं टॉपिक की बात कर लूँ, आपको टॉपिक दिखा दे रहे हैं बहुत ही कम समय में, आप टॉपिक देख लीजिए फिर उसका फटाफट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक की बात करें यहाँ पे सबसे पहले देखो एक दो नंबर यहाँ से बनेंगे आपके, भारत में प्रथम पुरुष या महिला ठीक है कौन थे, फिर वहाँ पे इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे अम्ल और प्राकृतिक स्रोत से पूछा जाता है वो क्वेश्चन, इस पे बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में भारतीय पुस्तकें तथा उनके लेखक, यहाँ से एक नंबर कन्फर्म है आपका आना, एक क्वेश्चन तो आना है। फिर महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर उसके बाद में बात कर लें बहुदेशी नदी घाटी परियोजना ठीक है, यहाँ पे इससे बनेगा। मैं आपको पहले टॉपिक दिखा दे रहा हूँ फिर उसके बाद में आपका पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बनने वाला है। और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर, ये भी एक कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आप कम समय में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन करना भी अति आवश्यक है। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति ठीक है, यहाँ से भी एक कन्फर्म आपको लग रहा होगा कि हाँ जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ एक एक नंबर यहाँ से आने वाला है। विश्व के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएँ, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे आपका प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक, एक क्वेश्चन आपको बनेगा। प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय, एक नंबर यहाँ से बनेगा। फिर प्रमुख भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यहाँ से भी कन्फर्म आपको मिलेगा कि ये यूपी जीके से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, भारत में कप एवं ट्रॉफी, कौन सा कप किस खेल से संबंधित है ये पूछा जाएगा आपके लिए। विभिन्न खेलों के खिलाड़ी की संख्या पूछा जा सकता है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन एक नंबर का कंफर्म है आपका। भारत के प्रमुख त्यौहार ठीक है, भारत के प्रमुख क्रांतियाँ इससे रिलेटेड, और 1857 क्रांति के भारतीय सेनापति, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपका। 1857 के क्रांति के ब्रिटिश सेनापति ठीक है। प्रमुख वचन एवं नारे, क्योंकि वही यहाँ पे लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है। देश के बीच महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं ठीक है, एक नंबर कन्फर्म है यहाँ पे। गुप्तचर राज्य गुप्तचर राजवंश संस्था एवं राजधानी ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे पंचवर्षीय योजना ठीक है। फिर उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक, तो यहाँ पे पूछाएंगे। तो ये आपके इतने टॉपिक हैं, यहाँ पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ पूरा टॉपिक, आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपको बाद में पछतावा हो जाएगा कि सर ने जो बताए थे वीडियो और हमने नहीं देखा। और यहाँ से देखिए, मैं कल दिखाऊंगा भी दोस्तों, कल आज जब पेपर देके आएंगे तो मैं कल दिखाऊंगा आपको कि यहाँ से देखिए आप लोग कि ये इस टॉपिक से इतने नंबर का फंसा है ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा और
चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों सभी लोग एक बार फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रमुख प्रथम पुरुष एवं महिला की बात करेंगे तो भारत के प्रथम यानी कि यहाँ पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम वेंटिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय की बात करें तो आपको गलती मत करना है, तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। फिर उसके बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, यहाँ पे लिखा हो भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राज गोपालाचार्य, ठीक है, सी राज गोपालाचारी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम वायसराय की बात कर ले। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वायसराय कौन है तो प्रथम वायसराय में आप लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा है? राल्फ फिच। कौन सा? राल्फ फिच। प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। किस सन में अगर पूछते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि 1950 से 62 में रहते हैं। फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। महिला राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो जाकिर हुसैन, ठीक है, क्या? जाकिर हुसैन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो वल्लभ भाई पटेल। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की बात करें तो मोरारजी देसाई। दोस्तों काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, काफ़ी लोग अगर पूछ लिया जाएगा तो गलत करके आएंगे, इसलिए आज एक छोटे से वीडियो में आपको रिवीजन करना है। फटाफट रिवीजन जरूर करके जाइएगा, इसमें से मैं कन्फर्म आपको बता रहा हूँ 10 से 12 से 15 नंबर आने ही आने से और हैं। राज्यपाल की बात करी जाए तो महिला राज्यपाल के सरोजनी नायडू, ठीक है। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रथम मुख्यमंत्री महिला की बात की जाए तो आपकी सुचेता कृपलानी, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तब। नेक्स्ट उसके बाद में पूछा है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए भारत के तो जी बी मावलकर, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष महिला की बात की जाए तो मीरा कुमारी। लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की जाए तो श्यानम अयंगर, ठीक है। और फिर उसका राज्यसभा अध्यक्ष की बात की जाए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछ सकती हैं, नेता वगैरह जो है बहुत कम, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपका। हाँ, राष्ट्रीय स्थाई अध्यक्ष एवं संविधान के स्थाई अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं। और अस्थाई की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। प्रथम चुनाव आयुक्त की बात करें सुकुमार सेन, याद के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कमांडर इन चीफ की बात की जाए जनरल करियप्पा, ठीक है। फील्ड मार्शल की बात करें तो जनरल माणिकश। थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम है ये भारत में, ठीक है, महाराजा राजेंद्र जी, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे न्यायाधीश पूछ लिया जाता है आपसे तो न्यायाधीश पूछा जाए तो फातिमा बीबी, ठीक है, महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीबी। और यहाँ पे अगर हाई कोर्ट की पूछा जाए, प्रथम हाई कोर्ट की पूछा जाए तो सैयद महमूद। और महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की पूछा तो अन्ना चांडी, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर उसका महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें उच्च न्यायालय की तो लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी, ठीक है। यहाँ पे प्रथम IAS महिला पूछा जाए तो कौन है? अन्ना जार। प्रथम महिला IPS की बात की जाए तो यहाँ पे याद रखेगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। और प्रथम महिला की बात करेंगे तो आप किरण बेदी लगाएंगे। और प्रथम पुरुष की बात की जाए, प्रथम भारतीय IPS की बात की जाए तो सत्येंद्रनाथ टैगोर लगाइएगा, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। प्रथम महिला शासिका की बात की जाए तो रजिया सुल्तान। प्रथम भारतीय अध्यक्ष UNA की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए KC नियोगी। जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वही हम आपको पढ़ाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन है तो तेनजिंग नारगे। एवरेस्ट पर पहली महिला वछेंद्री पाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था तो माहिर सेन था। कब? 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो सुश्री आरती शाह, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर पहला भारतीय कौन पहुँचा था तो ले रामचरण, ठीक है। नेक्स्ट आपकी उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला तो प्रीति सेन गुप्ता,
ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन कंफर्म है आपको पूछा जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जीएस जो पोर्शन लिखा हुआ उसमें साइंस भी इंक्लूड है। यहाँ पे इस यहाँ पे देखिए अम्ल और स्त्रोत की बात करेंगे, तो अम्ल और स्त्रोत में आप लोग देखेंगे फार्मिक अम्ल पूछा जाए तो फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लाल चींटियों में और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, नींबू में और संतरे में पाया जाता है। वेंजोइक अम्ल की बात करें तो घास, पत्ते और मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो सारेल के वृक्ष में और टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक एस्टिक अम्ल की बात करें तो फलों के रस में और सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो फिटकरी और शोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो हरा कशिश में पाया जाता है। फिर टार्टरिक अम्ल की बात करें तो आपका ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध में पाया जाता है। यूरिक अम्ल आप बात करें तो मूत्र में पाया जाता है। दोस्त नेक्स्ट दूसरा टॉपिक दोस्तों आपकी भारतीय पुस्तकें तथा उनके लेखक हैं, यहाँ से संबंधित आपका क्वेश्चन एक बनता ही है। तो पुस्तक और लेखक से संबंधित अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। अष्टाध्यायी पाणिनि, इंडिका मेगास्थनीज ने, मेघदूत एवं कुमार संभव कालिदास ने। बम का दर्शन की बात करें तो भगवती चरण बोहरा, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्राक्षस विशाख दत्त। दोस्तों थोड़ा स्पीड से लेकर चलेंगे क्योंकि काफ़ी कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हाफ ए लाइफ की बात करें तो बी एस न्यायपाल। कामसूत्र की बात करें तो वात्स्यायन। राजतरंगिणी की बात करें तो कल्लड़। हर्षचरित एवं कादम्बरी की बात करें तो वाणभट्ट। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा। गीत गोविंद की बात करें तो जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। स्पीड पोस्ट शोभा डे। शहनामा फिरदोशी, ठीक है, शहनामा फिरदोशी। नेक्स्ट आयने अकबरी की बात करें तो अबुल फजल। आयने अकबरी अबुल फजल। काव्य मीमांसा की बात करें तो राजशेखर। बाबरनामा की बात करें तो बाबर। अकबरनामा अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। मिलिंद पनो नांगशेन। बुद्ध चरित्रम अश्वघेश अश्वघोष, ठीक है। पाथेर पंचाली अगर पूछा जाए आपसे तो विष्णुभूषण बंदोपाध्याय, ठीक है। माल गुड़ी डेज एंड गाइड आर के नारायण, ठीक है, आर के नारायण। यहाँ पे विनय पत्रिका की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त। यामा की बात करें तो महादेवी वर्मा। वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा की बात करें तो धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिव नंद। और यहाँ पे भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघानंद देसाई। इंटरनल इंडिया माइटूट की बात करें तो इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद में तमश की बात कर लें तो भीष्म साहिनी। और इंडियन विंस फ्रीडम की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन डिवाइन डिवाइडेड की बात करें तो आपका राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि यहाँ पे देख सकते हैं, गीतांजलि अंगौरा की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्मभूमि की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। ये हिंदी से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट हो गया और आपका जीके जीएस से भी इम्पॉर्टेंट हो गया। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूट महात्मा गांधी। और यहाँ पे देख सकते हैं विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। इंडियन माइंड्स की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करें तो आर वेंकट रमन। और हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश की बात करें तो नारायण पंडित। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन हैं और संगठन की बात करें तो वर्ष नहीं पूछ सकता लेकिन महत्वपूर्ण संगठन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने महत्वपूर्ण संगठन में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल के कौन है, हेनरी डेरेजियो। फिर तत्वबोधि सभा के, वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, तत्वबोधि सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज के डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। आर्य समाज की बात कर लें यहाँ पे तो आर्य समाज में आप लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल एच पी ब्लावासिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। सोसाइटी की बात करें तो वह कर्नल अल्ट। रामकृष्ण मिशन की बात करें स्वामी विवेकानंद। सत्य शोध समाज की बात करें तो किसने स्थापना की थी, संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले, ठीक है। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व भारती की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर।
फॉरवर्ड ब्लॉक, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस। स्वर राज्य पार्टी, स्वराज्य पार्टी की बात करें तो मोतीलाल नेहरू। और खुदाई, हाँ खुदाई खिदमतगार की बात करें तो अब्दुल गफ्फर खां। होम रूलिंग की बात करें तो एनी बेसेंट और तिलक ने स्थापना के स्थापक है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा था, कब किया था 1916 में, इसका ईयर भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आनंद मोहम्मद बोस। आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना करें देवेंद्रनाथ टैगोर। हिंद महासभा की बात कर लें मदन मोहन मालवीय। भारत संघ की स्थापना करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये इधर नीचे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो ये दिए गए हैं। गदर पार्टी लाला हरदयाल, यानी कि कब 1983 में। अभिनव भारत वी डी सावरकर। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, स्थापक कौन थे तो आगा खां और समी उल्ला खां। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अली बंधु। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस। ठीक है, ये चार पांचों इंपॉर्टेंट आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखेंगे बहुदेशी नदी घाटी एवं परियोजना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आप हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं नहीं कि आपका भी फर्ज बनता है। इसको इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, परियोजना कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, परियोजना और नदी और राज्य। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें यहाँ पे तो कहाँ आपकी सतलज नदी पे है और किस राज्य में, पंजाब। इंदिरा गांधी नहर की बात करें सतलज नदी व्यास राजस्थान में है। हीरा कुंड बांध की बात करें तो महानदी पे है, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा की बात करें तो आपके तुंगभद्रा कहाँ है, तुंगभद्रा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर की बात कर लें तो कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में है। फरक्का की बात करें तो गंगा एवं भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट की बात करें आपका काकरापारा की बात कर लें, काकरापारा आपका कहाँ है, ताप्ती नदी और गुजरात में है। फिर उसके बाद में उकई कहाँ है आपकी, ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। रिहिंद बांध कहाँ है आपका, रिहिंद नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की बांध कहाँ है आपका, पेरियार नदी पे है और केरल में है। ठीक है, पेरियार नदी पे केरल में। टिहरी बांध कहाँ है, भागीरथी पे है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर कोयना बांध क्या है, कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। शलाल बांध कहाँ है, चिनाब नदी पे है आपका, कश्मीर में है। स्वर्णरेखा नदी की बात करें, स्वर्णरेखा आपका कहाँ है, स्वर्णरेखा नदी पे है और झारखंड में है आपका, कहाँ है, झारखंड में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शिव समुद्रम की बात करें, कावेरी नदी पे है और कर्नाटक में है। मैटूर बांध की बात करें तो कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में है। और तेनू घाट बांध की बात करें, दामोदर नदी पे है, झारखंड में है। दामोदर घाटी की बात करें, दामोदर नदी पे आपका झारखंड में है। सरदार सरोवर की बात करें तो नर्मदा नदी पे है और गुजरात में है। दुलहस्ती की बात करें तो चिनाब नदी पे है, कश्मीर में है। अलमाटी की बात करें कृष्णा नदी पे है, कर्नाटक में है। मयूराक्षी की बात करें तो मयूराक्षी नदी पे और पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, तो ये आपके बांध से संबंधित था। अब यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं और अभयारण्य की बात करें यहाँ पे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका नंबर क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, चलिए तो जिम आपसे पूछ लिया, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है तो असम में है। फिर आपका पेरियार वन जीव अभयारण्य कहाँ है, केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में, लखीमपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट सिकरी देव अभयारण्य की बात करें तो सिकरी देव अभयारण्य कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका, असम में है। फिर केवला देव धाना पक्षी विहार की बात करें तो कहाँ, राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है आपका, गुजरात में है। नंदन कानन वन जीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। दाचीग्राम आपका अभयारण्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जिसको आप दाचीग्राम कहते हो। ठीक है, राजा राजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तराखंड में है। दोस्तों आपको जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ पूरा वीडियो जरूर देखेगा, इसकी बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर अवश्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। और मधुमलाई अभयारण्य कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। दम्फा अभयारण्य कहाँ है, मिजोरम में है।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। किवुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपके ऐतिहासिक स्थल एवं मंदिर की बात कर लें यहाँ पे, तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट हैं आपके। जैसे पूछ लें चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ है आपका? हैदराबाद में। हम्पी की बात कर लें तो हम्पी आपका कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, चिल्का झील आपको पता ही उड़ीसा में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ आपकी? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है। डल झील कहाँ आपका? आपकी श्रीनगर में है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को कंप्लीट करना अच्छे से। फिर यहाँ पे आपको आ जाइएगा जो आपके सांची का स्पूत पूछ रहा था भोपाल, ठीक है। फिर उसके कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। फिर यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा आपके जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊँगा। झुकी हुई मीनार की बात करें तो अहमदाबाद, हवा महल की बात करें जयपुर में, और विलियम फोर्ट की बात करें कलकत्ता में। दोस्तों जो मैं छोड़ रहा हूँ कुछ, तो आप लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूँगा और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी लिख दूँगा। आप लोग वहाँ से फॉरेस्ट गार्ड GS PDF लिख के आप लोग इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको ये PDF पढ़नी है तो आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उस पर आपको मैसेज डालना होगा या लिंक ज्वाइन करना होगा। मैं ग्रुप में PDF डाल दूंगा, आप लोग वहाँ लोग से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। राजघाट की बात करें तो यहाँ पे देखें समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति है। तो राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी की है समाधि स्थल। शांतिवन आपकी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। विजय घाट आपकी लाल बहादुर शास्त्री की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। वीरभूमि आपकी राजीव गांधी की है। किसान घाट किसकी? चौधरी चरण सिंह की है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं महाप्रायण घाट किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अभय घाट किसके? मोरारजी देसाई की है। क्षमता स्थल किसकी है? जग जीवन राम की है। नारायण घाट किसके है? गुलजारी लाल नंदा की है। एकता स्थल की बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह की है। फिर आपका चैत्य भूमि की बात करें तो VR अंबेडकर की है। उदय भूमि की बात करें तो KR नारायण की है। कर्म भूमि की बात करें शंकर दयाल शर्मा की है, ठीक है। फिर यहाँ पे गुप्तचर एजेंसियाँ हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछती हैं। जैसे आपकी पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी की बात करें तो ISI है, ठीक है। USA की पूछ लेता तो CIA और FBI है। भारत की बात करें, मैं चीज़ आप भारत की याद रखिएगा, IB और CBI, IB और CBI। फिर आप यहाँ पे जापान की देखेंगे तो नाइचो है, ठीक है। फिर आपके इराक की देखेंगे तो अल मुख बरात है। फिर यहाँ पे भारत की एक दूसरी क्या है? रॉ है, RAW, ठीक है, रॉ। फिर ईरान की शावक, इज़राइल की मोशाद, फिर मिस्र की आपकी मुख बरात, और यहाँ पे रूस की KGV और GRU, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चिन्ह आपके दिए गए हैं, ये कौन से चिन्ह किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे चिन्हों की बात कर लें। यहाँ पे रेड क्लास आपका डॉक्टर से संबंधित होता है, डॉक्टरों से, डॉक्टरी से। और फिर लाल त्रिकोण की बात करें तो परिवार नियोजन से। सफ़ेद झंडा आपका संधि या समर्पण से। लाल झंडा आपका क्रांति खतरे का सूचक है। झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक संकेत देता है। काला झंडा आपका विरोध का प्रदर्शन करता है। उल्टा झंडा आपका राष्ट्रीय विपदा। कबूतर आपकी बात करें तो शांति का प्रतीक होता है कबूतर। फिर उसके बाद में यहाँ पे बाह पर काली पट्टी शोक या दुख की बात करें, चक्र की बात करें तो प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद में प्रमुख संगठन था उनके मुख्यालय, एक नंबर दोस्तों यहाँ से कन्फर्म 100% आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका? वाशिंगटन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ? रोम में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गेट का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है आपका? जिनेवा में है। G8 और G15 की बात करें तो जिनेवा में चल जाओगे आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एशियाई विकास बैंक की बात करें तो मनीला में है इसका मुख्यालय। फिर दक्षेस की बात करें, सार के मुख्यालय बात करें तो काठमांडू में। ओपेक का बात करें तो वियान में है।
इंटरपोल की बात करें तो पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की लय की बात करें तो हेंग में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो लंदन में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को की बात करें तो पेरिस में है। यूनिसेफ की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसरो की बात कर ले तो आपका कहाँ है, पेरिस में मुख्यालय इसका। फिर यहाँ पे देखेंगे आसियान की बात कर लें तो जकार्ता में इसका मुख्यालय। नाटो की बात करें तो ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, ठीक है। राष्ट्रमंडल की बात करें तो लंदन में इसका मुख्यालय। अरब लीग की बात कर लें तो अरब कहरा की कहरा में है इसका मुख्यालय। दोस्तों एक से दो नंबर पर कन्फर्म है, आप बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा, आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। फिर आप बात करेंगे हम भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि शोध संस्थान केंद्रीय, ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका लखनऊ में है। फिर मतलब जहर भी लखनऊ में मिलता है और दवाई भी आपकी लखनऊ में मिलती है, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ है, आपका पुणे में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, आपका नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की बात कर लें यहाँ पे कहाँ इसका मुख्यालय, कोलकाता में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी बात कर लें यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कटक में है, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान की बात करें तो कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन की संस्थान की बात करें तो आपका अहमदाबाद में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आपका देहरादून में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, तो आपका ये राजमुद्री में है। कहाँ है, राजमुद्री। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपको चमड़ा की बात करें, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, चेन्नई में है, ठीक है। केंद्रीय ईट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात कर लें तो आपका जादूगढ़। और यहाँ पर चमड़ा की बात करें यहाँ पर कानपुर में भी है, आपके इंडिया की बात करें तो कानपुर में भी है, ठीक है। अगर कानपुर नहीं ऑप्शन है, चेन्नई है तो चेन्नई लगाइएगा, ठीक है। फिर उसके बारे में भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की बात करें तो रांची में है। फिर भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका, तो आपका लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, पणजी में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, बंगलोर में है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर देखना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पूछा जाए तो आपका कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ ये ट्रॉफिक है जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित है और जीके में भी आता है ये, तो कुछ ट्रॉफियाँ कप और ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फीफा ट्रॉफी पूछा जाए तो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है आपका, तो आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। सिरजर्स कप का आपका फुटबॉल से संबंधित है। सब्रोतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। फिर वेटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। एसएस कप आपका क्रिकेट से संबंधित है। विल्स ट्रॉफी आपकी किस संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। एशियाई कप आपका किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है जो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेविस आपका पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डेविस आपका किस संबंधित है, डेविस कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। राइट कप आपका गोल्फ से संबंधित है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एजरा कप आपका किससे संबंधित है, पोलो से संबंधित है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी आपकी विज से संबंधित है। फिर आपके मार्डेक कप का आपके फुटबॉल से संबंधित है। ये आपके ट्रॉफी जरूर रट के जाएगा कि यहाँ पे बहुत पूछा है। यहाँ पे देख खेल पूछा जाए, खेल और कितने किस खेल से कौन कितने खिलाड़ी होते हैं किस खेल में, तो क्रिकेट में आपको रट लीजिए 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इन तीनों में 11 होते हैं। फिर खो खो की बात कर लें तो 9 होते हैं। और बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। कबड्डी की बात करें तो 7 होते हैं। वाटर पोलो की बात कर लें तो 7 होते हैं। पोलो की बात करें तो यहाँ पे 4 होते हैं। और वॉलीबॉल की बात कर ले तो 6 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है। आप बैडमिंटन में 1 या 2। फिर टेनिस टेबल में आपका 1 या 2। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे कितने होते हैं, 15। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर यहाँ पे कुछ त्यौहार आपके दिए गए हैं। भारत के प्रमुख त्यौहार की बात करें तो दुर्गापुर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। पोंगल आपका कहाँ मनाया जाता है, किस त्यौहार,
तो आपका तमिलनाडु में सरहुल का मनाया जाता है, झारखंड में बिहू, असम में छठ पूजा आपकी बिहार में होती है, ओनम आपकी बात करें तो केरल में होता है, कहाँ केरल में होती है। फिर यहाँ पे एक प्रमुख क्रांतियाँ दी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। हरित क्रांति आपके खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित, मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो आपकी मांस उत्पादन संबंधित है। और गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा उत्पादन संबंधित है। और आपकी सुनहरी क्रांति आपकी किस संबंधित है, फूल उत्पादन, फल उत्पादन संबंधित है। फिर यहाँ पे कुछ आपके 1857 के भारतीय सेनापति की बात कर लें तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो इस आपके ये 1857 से संबंधित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्थान और भारतीय सेनापति, मतलब बिहार में बिहार का भारतीय सेनापति कौन था, तो कुंवर सिंह। लखनऊ का बेगम हजरत महल थी। आपकी कानपुर की बात करें तो नाना साहब, टाटा टोपे। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दिल्ली की बहादुर शाह द्वितीय। इलाहाबाद के आपके लियाकत अली। फतेहपुर के आपके अजीमुल्ला हैं। और बरेली के आपके खान बहादुर। थोड़ा दोस्तों स्पीड में लेकर चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सारे टॉपिक हमें कंप्लीट कराने हैं, इसलिए आपका मैं चाहता हूँ कोई भी टॉपिक आपका छोटा नहीं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हम वचन और नारे की बात करेंगे, प्रमुख वचन जो आपके नारे पूछे जाएंगे, करो या मरो या भारत छोड़ो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने नारा दिया था। फिर हु विल्स इफ डाइज इंडिया डाइज, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। फिर यहां पे दिल्ली चलो या जय हिंद, ठीक है, किसने नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस लाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर श्रमेव जयते, मतलब कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने। हे राम किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी हिंदू हिंदोस्तत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान की बात कर लें तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, तो यानी किसने कहा, महात्मा गांधी ने। मेरे अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की पूजा ही हमारी पूजा है, मदन लाल धींगरा, ठीक है। फिर संपूर्ण क्रांति की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। जय जगत की बात करें तो विनोवा भावे ने किया था। नेक्स्ट आपकी बात करें देश के बीच महत्वपूर्ण सीमाएं, ठीक है, तो यहाँ पे सीमा रेखा की बात कर लेंगे, सीमा रेखा और देश, तो यह इसकी बात कर लें। यहाँ पे मेक मोहन रेखा किस समय थे, भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा की बात करें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। और आपकी डूरंड कप की बात रेखा की बात करें, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की है। हिडनबर्ग की बात करें, जर्मनी एवं पोलैंड की है। देश यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है, 24वीं अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के बीच में है। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो आपकी बनी थी वो बता दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखते हैं कुछ राजवंश और संस्थापक, तो यहाँ पे संस्थापक देख लीजिए, राजधानी नहीं पूछ सकती हैं, बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन संस्थापक जरूर देख लीजिएगा। तो संस्थापक की बात करें, हय्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबसार था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। शंघु वंश का संस्थापक कौन था, पुष्पमित्र शंघु था। सप्तवाहन का संस्थापक कौन था, सिमुक था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्पभूति था। फिर आपका गढ़वाल की बात कर लें, यहाँ पे कौन संस्थापक था, चंदेल चंद्रदेव था।
पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु शर्मा था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग था, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। फिर यहाँ पे देखेंगे लोदी वंश की बात कर लें तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। फिर आपका यहाँ पर बहनवी वंश की पूछा है तो हसन सुंग गंगू था। फिर पाल वंश आपका बहुत इंपॉर्टेंट गोपाल, और चौहान वंश आपका वासुदेव। ठीक है, तो ये आपके संस्थापक थे। कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो आपके पूछ रहे थे कम किस कौन सी योजना हुई, तो यहाँ पे ईयर आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहली और अंतिम जरूरत, पहली योजना कब हुई थी 1951 से 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, और फिर उसके बाद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी 2012 से 17 में, इन दोनों का जरूर याद कर लेना है। फिर उसके बाद में आपके संस्थापक दिए गए हैं, ऊपर बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और फिर जब पेपर दे के आइएगा तो जरूर बताइएगा इस सेशन में हमारे कितने नंबर के क्वेश्चन फंसे हुए हैं, क्योंकि मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वही टॉपिक इसमें लिए गए हैं। तो आपके लोगों के लिए आज के लिए फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए लास्ट वीडियो था, तो इसमें आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।